हेलो एवरीवन, कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत था, आज हम आपका न्यू टॉपिक यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सी स्टार या पेंटासीरोस या ओरिएस्टर को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेंटासीरोस जो है वो यूनिसेक्सुअल या डायोसियस एनिमल्स है। यूनिसेक्सुअल से मतलब होता है इसमें मेल अलग एंड फीमेल अलग कराई जाती है, यानी एस्टेरिया यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कंडीशन पाई जाती है, अतः इनमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं। एस्टेरिया में प्रिमिटिव टाइप के जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन, स्पर्म एंड ओवा को संग्रह करने के लिए रिजर्वायर या रिसेप्टिकल्स का अभाव होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है अल्प विकसित, यानी डेवलप्ड जो होंगे उसमें कम्प्लीटली ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का पाए जाते हैं। इसमें केवल सिंपल गोनड मेल टेस्टिस एंड फीमेल्स इन ओवरीज, मेल में 5 पेयर्स टेस्टिस तथा फीमेल्स में 5 पेयर्स ओवरी पाई जाती हैं। यानी जो मेल्स हैं उसमें 5 पेयर टेस्टिस के पाए जाएंगे तथा फीमेल्स में 5 पेयर ओवरीज पाई जाएंगे, जिनमें फर्स्ट पेयर एक पेयर प्रत्येक भुजा में लेटरली भुजा के प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ तथा पलरसिका तथा डीप फीट की एम्पला के मध्य पाए जाते हैं। टेस्टिस तथा ओवरी दोनों आकार में समान होते हैं। यानी अगर पेंटासीरोस के रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी टेस्टिस एंड ओवरी की बात करें तो दोनों का जो साइज है, माप है, वो एक समान होता है। प्रत्येक गोनट्स लंबा फेदरी टफ्ट लिए हुए रचना होती है, यानी अगर उसकी बात करें तो ये लंबाई में होता है, फेदरी होता है, यानी खतर लाइक होता है, जो अंगूर के गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। ब्रीडिंग टाइम, एक मैचुरेशन टाइम गोनड पेरिविस्टल सीलोम की संपूर्ण स्पेस को कवर कर देती है। प्रत्येक गोनड्स का प्रॉक्सिमल पार्ट एवरल दिशा की ओर बॉडी वॉल से जुड़ा होता है, उसी स्थान से एक स्मॉल गोनोडक्ट निकलती है जो सीलिएटेड होती है तथा सूक्ष्म एपरेटस गोनोपोर के द्वारा एब्रल सरफेस पर दो आर्म्स के मिलने वाले कोन पर स्थित होता है। प्रत्येक गोनोड जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा घिरी होती है, यानी लाइंड होती है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस की विधि द्वारा स्पर्म तथा ओवा का प्रोडक्शन होता है। इसमें नर तथा मादा प्राणी यानी मेल एंड फीमेल प्राणी से क्रमशः स्पर्म एंड ओवा समुद्र में त्याग किए जाते हैं, यानी इसमें गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म एंड ओवरी का प्रोडक्ट ओवा का प्रोडक्शन होता है। और उनको क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के बाहर ये स्पर्म तथा ओवा को रिलीज कर देते हैं समुद्र में, तो वहाँ पर इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो अब हम इसके स्टेटस को देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल होती है, किस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट होता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये एडल्ट मेल यानी ओरिएस्टर, ये एडल्ट फीमेल ओरिएस्टर। हमने बताया था ये मोनोस डायोसियस होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यहाँ पर ये मेल है, मेल से ये स्पर्म डिस्चार्ज किए जा रहे हैं और फीमेल से ओवा। ये मेल पेंटासीरोस, ये फीमेल पेंटासीरोस, इससे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है।
जब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अगर हम इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता तो ये इसके स्पर्म इसकी बॉडी में पेनिट्रेट किए जाते, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, यहाँ से स्पर्म रिलीज कर दिए गए, यहाँ से ओवा रिलीज कर दिए गए। तो ये स्पर्म इसके ओवा के साथ फ्यूज होकर एक जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो ओवम है ये वाला, इस पर ये स्पर्म आगे पेनिट्रेट करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्पर्म इसके साथ आकर अटैच हो गया। ओवम में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, इसी प्रकार से जो स्पर्म है इसमें भी न्यूक्लियस टेल प्रेजेंट होती है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड हो जाता है। उसके बाद इसमें क्लीवेज की क्रिया होती है। क्लीवेज की क्रिया के दौरान जो जाइगोट होता है हमारा सिंगल सेट होता है, यानी जब इसमें फर्स्ट क्लीवेज होगा तो एक टू पार्ट में बटेगा, उसके बाद सेकंड क्लीवेज में फोर में बट जाएगा, यानी टू से फोर, फोर से सिक्स, फोर से एट, एट से सिक्सटीन, सिक्सटीन से 32। इस तरीके से इसमें क्लीवेज की फॉर्मेशन होती है। क्लीवेज के बाद इसमें मोरूला की फॉर्मेशन होती है। मोरूला जो होता है मल्टी सेलुलेटेड होता है। मोरूला से ब्लास्टुलेशन की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टुलेशन में ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला में क्या होता है, जो हमारा जाइगोट है, मोरूला है, ये एक सॉलिड वॉल होती है, मतलब इसमें कोई स्पेस नहीं होता। लेकिन जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुलेशन वाला पार्ट होता है, इसमें बीच की तरफ ब्लास्टोसिल की, यानी मध्य में ब्लास्टोसिल की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो सेल्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्लास्टुला है ये गैस्टुलेशन के थ्रू, गैस्टुला में कन्वर्ट होता है। गैस्टुला की दो फॉर्म होती है, एक अर्ली गैस्टुला फॉर्म और दूसरी लेटर गैस्टुला, यानी पहले वाली अर्ली वाली और लेटर वाली। अर्ली वाली में क्या होता है, ये जो ब्लास्टुला था हमारा ये इनवेजिनेट होता है, ऊपर की तरफ सिंक करता है। सिंक करने के फलस्वरूप इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये सेल्स हैं बाहर वाले और ये यहाँ से इनवेजिनेट हुआ। इनवेजिनेट का मतलब ऊपर की तरफ सिंक हुआ, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर बीच में आर्केंट्रॉन की फॉर्मेशन की, और यहाँ पर एक पोर बनता है, जहाँ पर ये इन्वेजिनेट करता है उसके मध्य में एक पोर बनता है, पोर कहलाता है ब्लास्टोपोर, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है ब्लास्टोसील। ये अर्ली स्टेज है गैस्ट्रुला की। अब लेटर स्टेज की बात करें तो लेटर स्टेज में ये जो आर्केंट्रॉन की फॉर्मेशन हुई ये आगे चलकर और इन्वेजिनेट करती है और सीलोमिक पाउच का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटर गैस्ट्रुला में ये और ज़्यादा इन्वेजिनेट हुई अंदर की तरफ, यानी जो ब्लास्टोसील वाला पोर्शन था वहाँ पर इन्वेजिनेट होकर ये सिलोमिक पाउच में कन्वर्ट हो गई। और यही लेटर जो गैस्ट्रुला है, यानी सबसे पहले स्पर्म ओवम प्रोड्यूस हुए, उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट के बाद क्लीवेज बना, क्लीवेज के बाद मोरूला, क्लीवेज के द्वारा इसका सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद मोरूला की फॉर्मेशन हुई, मोरूला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से हमारे क्या बना अर्ली गैस्टुला, अर्ली गैस्टुला से लेटर गैस्टुला। अब लेटर जो गैस्टुला बना ऐसे ही जो हमारा अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा है, क्योंकि इसका जो लार्वा है पेंटासुरस का वो बाइपिनेरिया लार्वा कहलाता है, तो इसमें बाइपिनेरिया लार्वा की फॉर्मेशन होती है। अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा में ये जो इसके सिलोमिक पाउच थे जो कि इन्वेजिनेशन से बने अर्ली गैस्ट्रुला में, ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। ये जो आर्केंट्रॉन थी इसकी, यानी ब्लास्टोपोर जो था वो एनस का फॉर्मेशन बना देता है, और ऊपर वाला जो पार्ट था सिलोमिक पाउच वाला वो माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर ये सीलिएटेड बन
की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि इसमें भी यानी ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स थी, मार्जिनल सेल्स थी, उसमें भी सीलिया की थे, गैस्ट्रुला का जो अर्ली गैस्ट्रुला था इसमें भी सीलिया थे प्रेजेंट थे, और इसमें भी सीलिया प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर ये सीलिएटेड बैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो इसका मध्य वाला पार्ट होता है वो कहलाता है गट, एनस गट माउथ। इस तरीके से ये अर्ली बाइपरनेरिया की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं हम अर्ली बाइपरनेरिया जो है वो लेटर बाइपरनेरिया में कन्वर्ट होता है। लेटर बाइपरनेरिया में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्री ओरल सीलेटेड बैंड बन जाते हैं, उसके बाद पोस्ट ओरल सीलेटेड बैंड्स, ये वाला प्री और ये वाला पोस्ट, यहाँ पर ये माउथ एनस, ये है लेटर बाइपरनेरिया। अब करते हैं लार्वल डेवलपमेंट की बात। लार्वल डेवलपमेंट में क्या होता है, ये लेटर बाइपरनेरिया है, ये एडहेसिव डिस्क ऑन ब्रैकुलेरिया आर्क, इससे ब्रैकुलेरिया लार्वा जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर रूडिमेंट्री ऑफ स्टार फिश, इसमें देख रहे हैं आप स्टार फिश की फॉर्मेशन होने लगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये वाला जो पार्ट है आगे जाके टूट जाता है, और ये जो सब्सटेंस चिपटा चिपका हुआ था पार्ट, ये यहाँ पर लग रहता है, ये रूडिमेंट्री स्टार फिश ब्रेकिंग ऑफ ब्रैकुलेरिया अटैच, और यहाँ से इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा यंग स्टारफिश यानी पेंटासरोस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो लाइफ स्केल में, लाइफ साइकिल में हमने देखा जो एडल्ट से उससे ओवम एंड स्पर्म रिलीज किए गए, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, अर्ली बाइपरनेरिया लार्वा बना, उसके बाद ब्रैकुलेरिया लार्वा की फॉर्मेशन हुई, ब्रैकुलेरिया लार्वा से हमारा यंग स्टारफिश की फॉर्मेशन हुई। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट जो है इसमें इनडायरेक्ट है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल। तो आज हमने ये फर्स्ट ईयर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत इसकी लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया, कल हम इसके डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, हेयरली डेवलपमेंट के लिए वेज वगैरह उसको, तथा इसके लार्वल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे।